एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मौत के बाद से ही हर किसी की नजर रिया चक्रवर्ती पर है। जैसे जैसे इस मामले की जांच पड़ताल होती जा रही है, वैसे वैसे ही रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। जिसके बाद हाल ही में रिया ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में सुशांत और अंकिता का नाम लेते हुए कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब अंकिता का गुस्सा भी रिया पर फूट पड़ा है और उन्होंने रिया के कई झूठ पकड़े हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में उनके और सुशांत के खिलाफ बोले थे। जी हां, रिया के इस इंटरव्यू के बाद अंकिता ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है और रिया के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कई खुलासे किए हैं। पहला झूठ, डिप्रेशन और साइकियाट्रिस्ट से मिले थे सुशांत। जी हाँ, रिया ने कहा था कि सुशांत को पहले से ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार थे। ये बात उन्होंने रिया को यूरोप ट्रिप के दौरान बताई थी। रिया ने कहा था कि सुशांत ने बताया था कि वो 2013 में साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा चुके हैं, जिसका जवाब अंकिता ने अपनी पोस्ट में दिया और लिखा, सबसे पहले तो शुरुआत से आखिर तक मैं और सुशांत 23 फरवरी 2016 तक साथ रहे हैं। उसे कोई डिप्रेशन नहीं था और ना ही वो किसी साइकियाट्रिस्ट से मिला था, वो एकदम ठीक था। आपको बता दें कि रिया ने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत 2013 में साइकियाट्रिस्ट से मिले थे और उन्हें एंग्जाइटी होती थी। आपको ये भी बता दें कि रिया ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि सुशांत को प्लेन में बैठने से डर लगता था, जिसका जवाब देते हुए अंकिता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सुशांत प्लेन उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरा झूठ, सुशांत से बात करने पर अंकिता का जवाब। दरअसल रिया ने सुशांत और अंकिता को लेकर इंटरव्यू में कहा था कि ब्रेकअप के बाद ये दोनों काफी वक्त तक एक दूसरे के टच में नहीं थे और मणिकर्णिका फिल्म के दौरान दोनों ने बात की थी, जिसका जवाब देते हुए अंकिता ने अपनी पोस्ट में बताया, मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं कहा कि मैं और सुशांत अलग होने के बाद भी साथ थे। सच ये है और मैंने कहा भी यही था कि मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान सुशांत के दोस्त के इंस्टा पोस्ट पर मेरे पोस्टर पर कमेंट किया था। मुकेश छाबड़ा वो दोस्त थे और उन्होंने सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं दी थी और कर्टिसी में मैंने भी जवाब दिया, इसलिए मैं रिया के दावे से इनकार करती हूँ कि मैंने उनसे फोन पर बात की थी। तीसरा झूठ, फ्लैट पर दी सफाई। जी हां, रिया ने अंकिता को लेकर इंटरव्यू में ये भी बताया कि अंकिता सुशांत के फ्लैट में रह रही हैं, जिसका जवाब देते हुए अंकिता ने लिखा, फ्लैट के बारे में मैं पहले ही सफाई दे चुकी हूं और परिवार की राय भी मुझसे अलग नहीं है, इसलिए मैं अभी भी इस बात पर टिकी हूं कि मैं परिवार की तरफ से हूं, ना कि रिया की तरफ से। आपको बता दें कि खबरें थी कि सुशांत अपने अकाउंट से अंकिता के फ्लैट की ईएमआई भर रहे थे, जिसका जवाब देते हुए अंकिता ने कुछ दिन पहले अपने फ्लैट के कागज के साथ बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी शेयर की थी और बताया था कि वो खुद अपने फ्लैट की ईएमआई भर रही हैं। और रिया के इसी झूठ पर अंकिता ने अब सफाई दी। अंकिता ने जिस तरह से रिया की इन सभी बातों को झूठा ठहराया है, वो वाकई काफी हैरान कर देने वाली बातें हैं, जिसके बाद रिया पर शक की सुई और गहरा गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में सुशांत केस पर और क्या क्या नई बातें सामने आती हैं। वैसे आप रिया की इन तमाम बातों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।